Hello everyone, welcome to our YouTube channel Support to Learn. आज की इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को. इसके मनाने का उद्देश्य है लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना व उनके अधिकारों की रक्षा करना. इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है. आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन करने की घोषणा की है? ये की है पश्चिम बंगाल सरकार ने. इसमें मूर्तियों को बनाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा. आज का थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी जी के सम्मान में सिक्का जारी करने की घोषणा की है? ये की है यूके ने. आज का फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा गुजरात. आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 देने का फैसला किया गया है? ये हैं इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली. आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंगीकार अभियान का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने. यह अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है. आज का सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह है 5.8%. इससे पहले मूडीज ने भारत की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया था, अब इसे घटाकर 5.8% कर दिया है. आज का एट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है दिल्ली में. इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. आज का नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में अनीता पाई किस बैंक की नई COO नियुक्त हुई है? ये है यस बैंक. COO की फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. आज का टेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की है प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने. आज का 11th क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं RCEP अंतर्विभागीय मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी थाईलैंड में. इस बैठक में भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भाग लेंगे. आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 38वां इंडिया कारपेट एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है वाराणसी में. कारपेट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसलिंग ने इसका आयोजन किया है. तो ये थे 12 अक्टूबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.